जब से आप माइनॉरिटी लोन सैंक्शन करे, जब से हमारे साथ धोखा ही हो रहा, 8 साल में पहली बार करे। अब तुम कम से कम 500 करोड़ तो भी करना था। हम लोग हकदार, हर कोई हकदार है। तेलंगाना में मुस्लिम पहले पीछे पड़े हुए है। अगर आप हमारे अगर मदद करना चाह रहे हैं तो गांव को 5 जने को तो भी देना। अगर मदद करना चाह रहे हैं तो गांव को 5 जने 50 करोड़ का नहीं होता। 50 करोड़ कहाँ से आ रहे तुम्हारे पास? आपके पास 50 करोड़ आए कहाँ से? हम लोगों के लिए, हमारे से लिए एप्लीकेशन। हम क्या क्या अप्ले करे, इनकम निकाले, कैश निकाले, हर चीज निकाल के हम तुम्हारा को दिए। बात तुम हमारे को फेंक रहे, हमारे पैसे हमारे को फेंके। बात किसको किसको दे रहे? 6 जने पूरे कितने 400 लोगों में 6 जने को दे रहे। बोलते हम लोग मार लेके मर जाना यहाँ पे। आप हमारे अंदर लड़ाई लगा रहे। 2000 करोड़ में से कम 500 करोड़ सैंक्शन करना। माइनॉरिटी के जो भी है अध्यक्ष उनको भी बोल रहे हम, आप पैसे खा रहे, क्या खा रहे खा लो, हमारे को नहीं मालूम। अगर हमारे साथ ना इंसाफी हुई बहुत बुरा होगा अंजाम। यहाँ पे आज हम यहाँ एमपीडी ऑफिस के पास, कलेक्टर ऑफिस के पास भी जाने के लिए हम माइनॉरिटीज तैयार है। इसलिए हम बोल रहे हैं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमारे पूरे तेलंगाना में जहाँ कहीं भी माइनॉरिटी लोन ले रहे हैं, सब जने के साथ ना इंसाफी हो रही। कोई भी ना कोई ले लोन, पूरे जने भाई काट करो। एक जने के बारे में सोचे तो पूरे 100 जने नुकसान हो जाते। इसलिए जहाँ कहीं भी लोन हो रहा, जहाँ कहीं भी लोन ले रहे, सब जने भाई काट कर दो। ऐसा नहीं आती गवर्नमेंट, कौन है जी गवर्नमेंट? हम लोग आए गवर्नमेंट, हम लोग आ चुने गवर्नमेंट को, हमारी बात नहीं सुने तो गवर्नमेंट कहीं कहीं जो भी गुजरे। उम्मड़ी तेलंगाना, उम्मड़ी आंध्र के रह जाबो, 40 लोग आते थे एक मंडल को, उसमें से मिनिमम सारे लीडर्स बैठ कर एक डिवाइडेड करते थे कि वो गांव को दो, ये गांव को दो, पेद मुल्क चार, वहां को चार, बुलों को सबको बुला के देते थे। एक ऐसा माहौल हुआ कि भाई घोष डाल दिए, सारे आ जाओ लड़ लो, घर कुछ चले जाओ, मिला सो खाओ, नहीं मिला सो चले जाओ। ये होता नहीं होता, क्यों बोलो? अपन उंगड़े से उंगली से वोट डाले, ये हमारा हक है, लड़के लेना है, छोड़ना नहीं है। आज यहाँ ठहरे, कल हम वहां भी ठहरेंगे, और समझदारी और सात बुद्धि के साथ लड़ेंगे। हम कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे और खामोशी एहतियात के साथ करेंगे। और जो गलत फहमी पाल के आए मेरे भाई यहाँ पे, सारे सोच कर चलो। देखो आज हमारे साथ हुआ, कल हमारे बच्चों के साथ हो सकता। ये आज हमारे साथ हुआ, कल हमारे बच्चों के साथ हो सकता। इसी तरीके से चंद अल्फाज है, नहीं बोलना मार मैं बोल रहा हूँ, कई जगह कब्रस्तान साफ कर दिए गए। क्यों? हम एक नहीं है आज आके ठहरे हुए। आज कई के वास्ते ठहरे, पैसे के बेसिस पे आके ठहरे। कब्रस्तान के वास्ते कभी ठहरे भाई? नहीं डरे। चंद लीडर लड़ते हैं, जाते हैं, उन्हें कुछ भी नुकसान कर लेते हैं, कोई पूछता नहीं उनको। आज कहीं को आए हम लोग, पैसा मिल रहा था भाई आ जाएंगे, आए। यहाँ खाने के बाद क्या पता चला, 2 किलो खाना बनाए, 100 आदमी को लाए गए थे। 2 किलो में कौन कौन लड़को खाना, कौन घर को जाना, कौन आ भाई? नहीं होना, हमारे को 90 होना चाहिए, पूरे 90 लोन होना चाहिए। इसके वास्ते हमारे जो लोग हैं, जो भी बुलाते लीडर्स, जब भी बुलाते इंशाल्लाह जाने की कोशिश करो, नहीं तो मजाक बन जाता। देखो भाई थोड़ा उन टच करके देख रहे कि लोगों को टच करेंगे क्या करते, लोगों को टच करेंगे क्या करते, थोड़ा टच करें, अब क्या करते देखना चाह रहे। इसका रिप्लाई अगर हम नहीं देंगे, इसी तरीके से हमारे को खत्म करते हुए चले जाएंगे लोग। टिकने भी नहीं देंगे हम लोगों को कहीं भी। इंशाल्लाह मेरी बात रखना था मुसलमानों के सामने, हमारे सारे भाई आए थे तो मेरी बात को मुकम्मल तौर पर रख दिया। आप लोगों की कोशिश मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ।